कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क एक बार फिर से आम लोगों के लिए खुलेगा। डीएम के आदेश के बाद साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी विकास योजना के तहत 65 लाख की लागत से पार्क का निर्माण 2016 में किया गया था। ठेकेदार ने पार्क का निर्माण करने के बाद शहरी विकास विभाग को सौंप दिया था, लेकिन रखरखाव में लापरवाही के कारण पार्क पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो गया। इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वर्तमान में जंगल होने के कारण सभी खराब हो गए हैं। पार्क में 2 गेट है, एक गेट बीएमपी के डीआईजी कार्यालय की तरफ खुलता है, वहीं दूसरा गेट एसडीओ वेस्ट के कार्यालय के सामने है। अगस्त के पहले पार्क खुलेगा, इसके लिए प्रशासन द्वारा संबंधित संवेदक को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के आलोक में साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोगों के लिए पुनः यह सुलभ होगा, खुशी की बात है कि लोग यहाँ पर आएंगे और इस पार्क में बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। ये तमाम तरह की सुविधाएँ भी भविष्य में उपलब्ध कराई जाएंगी और कार्य अभी युद्ध स्तर पर चालू है। उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त तक पहले यह खुल जाएगा। मनोज कुमार, 4-5 दिन से हो रहा है सफाई, सफाई करना है। सूखा हुआ पेड़ था, उसको काटना था, डालू जो सूखा हुआ था, सो ती था यहाँ का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था, सूखा हुआ था, जंगल झाड़ बहुत था। अतिक्रमण तो रोड पर बाइक ला के जाम फंसाए हुए रहता है पूरा। काम तो यहाँ पूरा हो चुका था, अभी स्थिति दयनीय हो गया है, सफाई नहीं हुआ, इसलिए स्थिति ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ 10 लेबर रोज रह रहा है, 10-12-15, माने 9 बजे से लेके 6 बजे तक ले होती है स्थिति था। मैं 16 में हुआ था ना, उस समय तो अच्छा स्थिति था, वो तो चकाचक था, उसमें थोड़ी ही दिक्कत था, वो तो साफ सुथरा था, वो सब हो चुका था पहले ही।